ऐसा नहीं होता है, देखो ये कमेंट तो हो जाएगा, लेकिन कमेंट कैसे होगा, जैसे मान लो ये लिखना है ना, तो यहां पर मान लो मैंने लिख दिया यूज डिक्ट डेटा टाइप, डिक्ट डेटा टाइप, तो ये लिख दिया, तो ये कमेंट हो जाएगा, ठीक है, ये कमेंट है, ये प्रिंटिंग में नहीं आएगा। अब इसको ऐसा थोड़ी ना कि रन करवाओगे तो रन नहीं होगा, प्रोग्राम तो रन ही होगा, प्रोग्राम चलेगा, इसको सेव करो, प्रोग्राम चलेगा, क्यों नहीं, तो प्रोग्राम चलेगा, प्रिंट भी होगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर चाहते हो कि ये पूरा पोर्शन प्रिंट ही ना हो, तो इसके लिए सबसे पहले जाकर के यहाँ हैश लगा दो, तब ये प्रिंट ही नहीं होगा। अब जब इसको प्रिंट करवाने जाओगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये एरर आ जाएगा। लेकिन अब यहां पर है, तो यहां पर अगर मैं कुछ लिख देता हूं, लिस्ट ये लिख दिया हमने, ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब देखो जैसे ही एंटर प्रेस कर देंगे तो ये पोर्शन जो है, अब जो ये प्रिंटेबल नहीं था, जैसे अगर मैंने इसको बैक स्पेस की प्रेस किया, देखो जैसे ही इसको यहां पर लेके जाएंगे तो ये जो कोडिंग है हमारी वो भी कमेंट हो जाती है, ठीक है। अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये दूसरी लाइन हो गई, तो ये कमेंट नहीं होगी। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है दिस इज माई ओन लिस्ट, तो ये प्रिंट होकर नहीं आएगा, क्योंकि यही तो कमेंट है। तो कमेंट बहुत ध्यान से समझना, ये इसका कोई अर्थ नहीं है, आपने ये लिख दिया इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। आप किसी पोर्शन को समझाने के लिए कमेंट का प्रयोग करते हैं कि ये है क्या, ठीक है। जैसे मान लो ये है, तो यहां पर प्रिंट हम क्यों प्रयोग करते हैं, प्रिंट हम इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टू प्रिंट द प्रोग्राम, टू प्रिंट योर प्रोग्राम, ये लिख दिया मैंने, तो ये लिखेंगे तो ये प्रिंट थोड़ी ना होगा, ये प्रिंटेबल कैरेक्टर नहीं है, जो आपका कमेंट होता है वो प्रिंट नहीं होता है। अब इसको मैं अगर रन करवाता हूं तो कमेंट थोड़ी ना प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन देखने वाले को जब ये कोडिंग कोई देखेगा तो उसको ये पता चलेगा कि हाँ, इसको देखने के बाद उसको ये पता लग जाएगा कि हाँ, प्रिंट जो है प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कमेंट लगा सकते हो, तो कमेंट में गलती मत करना, गलती कर दोगे तो प्रोग्राम प्रोग्राम चलेगा नहीं, और प्रोग्राम गलत हो जाएगा तो नंबर नहीं पाओगे, ये बात याद रखना है ना।